टेस्ट पाए थी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी बटर गार्लिक प्रॉन। ये बहुत ही एकदम सिंपल वर्जन में आज मैं बनाने जा रही हूँ। इसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये आप सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रीमी बटर गार्लिक प्रॉन्स बनाने के लिए मैं पैन को पहले गर्म कर लूंगी। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून बटर। मैंने सॉल्टेड बटर यूज किया है, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे बटर में फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्रॉन्स। इसको मैंने पहले से ही स्किन निकाल के रख लिया था। मैंने 15 से 20 प्रॉन लिए हैं। अब मैं प्रॉन्स को बटर में सॉटे करूंगी अच्छे से, और हमें इसे बटर में ही पकाना है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। मैंने ज़्यादा नमक का यूज नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम हमें इसे अच्छी तरह से फ्रेश क्रीम में कुक करना है और इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर एंड 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर स्टेम, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें डालूंगी प्रोसेस चीज। मैंने 1 टेबलस्पून जैसा प्रोसेस चीज लिया है और चीज को मेल्ट होने तक पूरा इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब मैं इसमें अब 5 मिनट तक इसे और पकाना है। तो चलिए ये ऑलमोस्ट पक चुका है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ। आप पार्सले भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास पार्सले नहीं था तो मैं धनिया पत्ती डाली। तो हमारा ये रेडी हो चुका है क्रीमी बटर गार्लिक प्रॉन। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर फर्दर एंड न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय।